कलेक्टर सब मौजूद हैं, आप लोग अकेले नहीं हैं। जो मसले मसाइल हैं वक्तन वो वक्तन आप जो अपने अफसरान तक पहुंचाते हैं वो आगे पहुंचाते हैं। अगर जब कोई हमारी बात नहीं सुनेगा तो उसके लिए हमारे पास ये एहतजाज करने का पूरा मन हथियार है, जो आज हम क्या कर रहे हैं। तो मैं दरख्वास्त गुजार हूँ अपने MP वसीम कुरैशी भाई के कि वो आए अपने ख्याल का इजहार करें। वसीम भाई सेंट्रल के गैरतमंद मेरे मजदूर भाइयों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसी के हुक्म पे ना नाची है ना नाचेगी, ये कराची है ये कराची है। डिप्टी कमिश्नर साहब और एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती, बलदियाती निज़ाम के ख़त्म होने के बाद आपको तैनात इसलिए किया गया था कि आप इलाके की आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। आप सिविल सर्वेंट हैं, आपकी तनख्वाह आवाम के टैक्सों से आपको अदा की जाती है। ये जितने भी मजदूर खड़े हुए हैं, होना तो ये चाहिए था कि आप इनके सरप्रस बनते, इनके ऊपर शफकत का हाथ रखते, क्योंकि काम आपने इन्हीं लोगों से लेना है। आपने अपने एयर कंडीशन कमरे से बाहर नहीं आना, काम यही करेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। आपने सबसे पहले जो तलवार गिराई इन मजदूरों पे गिराई, पहली वेरिफिकेशन, दूसरी वेरिफिकेशन, अब तीसरी वेरिफिकेशन। इतनी वेरिफिकेशन तो पुलिस भी नहीं करती जितनी तस्दीक आप कर रहे हैं। शेम 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 शेम। और इसके नतीजे में वो तनख्वाहें जो इन मजदूरों को 5, 7, 8 तारीख को मिल जाया करती थी, 26 तारीख को 25 तारीख को मिलती है। आप ईमानदारी से बताइए कि ये 15-15, 20-20 हजार रुपए तनख्वाहें लेने वाले लोग अपना पूरा महीना कैसे गुजारते होंगे। और खास तौर पे इन हालात के अंदर जब महंगाई मुंह चढ़ के बोल रही है, आज नौबत ही आ गई है कि ये सारे मजदूर अपनी तनख्वाहों से परेशान है, अपनी नौकरियों के मुस्तकबिल से परेशान है कि हमारा क्या होगा। ये सिर्फ मजदूर परेशान नहीं है, वो पेंशनर्स, वो रिटायर्ड मुलाजमीन जो एक कलील सी तनख्वाह जो उनको मिलती है पेंशन की सूरत में, आज वो यक्तबा टाउन की सीढ़ियां चढ़ चढ़ के मर गए। वो ज़ईफ़ लोग और बूढ़े लोग जिनको पेंशन नहीं मिल रही, जो रिटायर्ड हो गए हैं उनके वाजिबात अदा नहीं हो रहे, किसी की बेटी की शादी है, किसी के घर में कोई मसला है। आपने आके सारी चीजों को अल्लाह के वास्ते आप बताएं क्यों रोक दिया आपने। आप यहाँ पे किस मिशन के तहत आए? आपको तो यहाँ पे भेजा गया था आवाम की खिदमत करने के लिए, अपने मुलाजमीन की तहफ्फुज के लिए। आज आपसे मुझे बताए, सेंट्रल के सिर्फ मजदूर आपसे खुश नहीं है, सेंट्रल के आवाम आपसे परेशान है। बारिशों को बाद आज 3 महीने हो गए, आज भी सेंट्रल के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ बारिश का पानी खड़ा हुआ है। जब आपसे कहा जाता है कि इलाके में काम कराइए, आप उस टाइम ठंडी मीठी गोलियां दे देते हैं अपने मुंतखब नुमाइंदों को। और उसके बाद आज 3 महीने हो गए, पूरे जिला बस्ती के अंदर कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसका क्रेडिट आप ले सके। आज डोमिसाइल PRC के नाम पे DC ऑफिस में रश लगा हुआ होता है उन बच्चियों को और बच्चों का जिनको कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना होता है। वो 4-4 घंटे आपके दरबार के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं और आप सिविल सर्वेंट के बजाय वडेरा और जागीरदार बन के अपने कमरे में बैठते हैं और आपकी अना को तस्कीन होती है इन लोगों को परेशान देख के। आज ये पहले मरहले पे जिला वस्ती के मुलाजमीन एहतजाजन अपना काम छोड़ के यहाँ खड़े हुए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिला वस्ती और कराची मोहब्बतों का शहर है, अमन का शहर है, प्यार का शहर है। यहाँ पे कोई किसी किस्म का लिसानी झगड़ा नहीं है। आप पहले सिंधी अफसर नहीं है जो यहाँ पर आए, यहाँ पे माजी में भी एडमिनिस्ट्रेटर सिंधी आए। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई उनकी तरफ से इस
ऐसा तासुर दिया जाए कि यहाँ कोई सिंधी या महाजिर फंसा दे। आज आपने जो आग लगाई है, आपकी इस आग को हम अपने अमन से, अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से बुझाएंगे। और जो खेल आप इस जिलावस्ती में खेल रहे हैं, उस खेल को हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज ये मजदूर रोडों पे आए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिलावस्ती के अवाम आपके रवैये से बहुत परेशान है। और अगर आपने अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया, अपना किबला दुरुस्त नहीं किया, तो आने वाले दिनों में जिला बस्ती के रोडों पे यहाँ की आवाम होगी जो मुतालबा करेगी कि यहाँ पे एक अच्छे ऐसे अच्छे अफसर को लाया जाए जो मजदूरों का भी ख्याल रखता हो और आवाम का भी ख्याल रखता हो। तो हमें एक ऐसे अच्छे अफसर की ज़रूरत है जो शफीक हो, जिसमें इंसानियत हो, जिसके दिमाग में वडेरा शाही और सरदारी पन्ना भरा हो। तो मैं आपसे ये फिर एक अपील करता हूँ, क्योंकि हमारी तहजीब ये नहीं सिखाती कि हम बदतमीजी करें, गालम गलोच करें। हम फिर आपसे एक अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शन को सीधी करें, इन मजदूरों को तहफ़ दें, इनकी तनख्वाहें वक्त पे दें, रिटायर्ड पेंशनर मुलाजमीन को वाजबात जो है उनके फौरी अदा करें और इलाके में वो काम कराएं जहाँ आज भी गटर, सेवरी, टूटे हुए नाले, टूटी हुई सड़कें मुंतजर हैं किसी मसीहा के कि वो आए और यहाँ पे काम कराए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने मजदूर भाइयों से ये कहना चाहता हूँ।